हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन रैफसन मेथड की, न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है न्यूटन रैफसन मेथड। इसको एनआर मेथड या फिर न्यूटन मेथड भी बोला जाता है। 1640 में दो मैथमेटिशियंस थे, आइजक न्यूटन और जोसेफ रैफसन। तो इन दोनों ने मिलकर न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एक टेक्निक या मेथड को बनाया और उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो उनका जो मेथड था उसका नाम है न्यूटन रैफसन मेथड। तो न्यूटन रैफसन मेथड का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ इस मेथड का। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे इस ही फंक्शन को देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो न्यूटन रैफसन मेथड में जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसमें हमको अलग अलग स्टेप्स से जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होती है किसी फंक्शन के, उसके करीब हमको आना रहता है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ स्टेप्स में इटरेशंस करते हैं और हम इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में कोई एक इनिशियल गैस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास बताया है कि इनिशियल गैस यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू टू है, तो ये जो एक्स नॉट इक्वल्स टू टू है दिस इज़ नथिंग बट योर इनिशियल गैस। इनिशियल गैस हमने ये माना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं टू के आसपास है, मतलब या तो वो टू से कम होगी या तो टू से ज़्यादा होगी, हमने ये माना है। जैसे हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में ही बताया है कि टेक इनिशियल गैस एक्स नॉट इक्वल्स टू टू। तो हमको इस फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है सॉल्व करने पर वो मिल जाएगी अगर हम इनिशियल गैस लेते हैं। तो जब भी आप न्यूटन रैफसन मेथड पढ़ेंगे, आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, वो है एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। ये जो फार्मूला है ये है न्यूटन रैफसन मेथड का। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्स टू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स टू विल बी एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन। सिमिलरली थर्ड स्टेप में एक्स थ्री की वैल्यू एक्स टू माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश एक्स टू एंड सो ऑन। ऐसे ही आप एक्स फोर एक्स फाइव के लिए निकाल सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इटरेशंस करेंगे आपको उतनी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलती जाएगी और आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन के उतने पास आते जाएंगे। तो सबसे पहले जो इनिशियल गैस हमको लेना है वो है एक्स नॉट इक्वल्स टू टू। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन रैफसन मेथड के अकॉर्डिंग जो सबसे इनिशियल गैस है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वन के लिए, एक्स वन के लिए हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, राइट। हमको इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो है टू माइनस एफ डैश एक्स नॉट। ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू में यहाँ पर हमको टू पुट करना है। तो पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये जो फंक्शन है ये मैंने लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में जो एफ एफ डैश एक्स नॉट है, दिस इज़ नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। जैसे कि ये जो फंक्शन है इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस फोर एक्स का डिफरेंशिएशन फोर एंड कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ज़ीरो। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स नॉट इक्वल्स टू टू हियर। तो ये हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू टू माइनस टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ टू माइनस फोर अपॉन थ्री टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ टू प्लस फोर माइनस ज़ीरो। ऑन सॉल्विंग दिस टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट,
माइनस 2 टू ज़ 4 प्लस 4 टू ज़ 8 माइनस 4 अपॉन 2 टू ज़ 4 4 थ्री ज़ 12 माइनस 2 टू ज़ 4 प्लस 4। सो एक्स वन विल बी 2 माइनस 8 माइनस 4 इज़ 4, सो 12 माइनस 4 इज़ 8 एंड 8 प्लस 4 इज़ 12, राइट। सो एक्स वन इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 बाय 12, राइट, एंड 16 बाय 12 इज 1.333। तो जो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आया है एक्स वन का वो है 1.333, दैट इज 16 बाय 12 हो जाएगा, वो बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ एक्स वन बाय एफ डैश एक्स वन। तो x2 इज इक्वल टू x1 1.333 माइनस दिस फंक्शन, वी हैव टू पुट x1 इन दिस फंक्शन 1.333 क्यूब माइनस 1.333 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1.333 माइनस 4 बाय डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू पुट करनी है, दैट मींस 1.333 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.333 प्लस 4। सो ऑन सॉल्विंग दिस we get x2 is equal to nearly 1.0923, right? So x2 is equal to 1.0923. Similarly, we can find the value of x3. So x3 will be x2 minus f x2 अपॉन f डैश x2। अब हमको x2 की वैल्यू ये पुट करनी है, तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 1.0923 माइनस दस फंक्शन 1.09, सो आई एम टेकिंग जस्ट 1.09 क्यूब माइनस 1.09 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1.09 माइनस 4 by 3 times of 1.09 square minus 1.09 2 times of plus 4 minus 0. So your x3 will become 1.2818. So your x3 will be 1.2818, right? तो इसका मतलब ये है कि जब हमने फर्स्ट स्टेप के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व किया तो जो x1 की वैल्यू आई वो आई 1.333। सेकेंड के लिए जब सॉल्व किया तो जो वैल्यू आई वो आई लगभग 1.09 2, एंड x3 के लिए जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 1.281। दैट मीन्स ये और एक्सेक्ट होता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर हम इनिशियल गेस 2 लेते हैं तो न्यूटन रैप्सन मेथड के अकॉर्डिंग NR मेथड के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1.281 के आसपास होगी। अब हम जैसे फोर्थ स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो फोर्थ स्टेप के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस f x3 अपॉन f डैश x3। इस फॉर्मूला में हमको सिमिलरली x3 की वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स रखना है अपॉन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड x3 की वैल्यू, तो x4 की वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सेक्ट आ जाएगी।
तो लगभग जब हम एग्ज़ाम में जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो 2 से 3 स्टेप के लिए सॉल्व करते हैं, तब हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।